हॉनर और हुआवे के क्वालकम लेटेस्ट मोबाइल है, उसका आईमी रिपेयर का तरीकेकार यह है कि सबसे पहले यूएमटी पे आपने उसका ईएफएस बैकअप लेना है। ये जो मोबाइल है ये ऑलरेडी इस बंदे ने बैकअप ईएफएस बैकअप लिया है, तो अभी हमने इसका आईमी रिपेयर कर लेना है। ईएफएस बैकअप के बाद आपने यहाँ एडवांस फ्लैशर पे आना है, कनेक्ट पे क्लिक करके अपना मोबाइल 9008 मोड में कनेक्ट कर देना है। ये मोबाइल 9008 मोड में कनेक्ट करेगा, तब तक हम जो इसके जो आईमी रिपेयर फाइल है वो अपने लैपटॉप से उनके लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये हमारे पास मोबाइल आया है, अभी मोबाइल 9008 मोड में करेक्ट हो गया है एडवांस फ्लैशर में। तो हमने इसका मॉडेम 1, मॉडेम 2, एफएससी और एफएससी फाइल को राइट कर लेना है। एफएसजी और एफएससी में जो तीसरा फाइल है ये दोनों में लगाना है, एक फाइल को दोनों में लगा देना है। ये चार फाइल हमारे पास हो गए, हमने इसको अभी राइट कर देना है। अब ये फाइल फ्लैश हो गए, इसके बाद आपने डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो जो हमारा मोबाइल है ये ऑन हो जाएगा, इसका आईमी जीरो पे चला जाएगा। और अभी ऑन करके इसका आईमी रिपेयर करेंगे यूएमटी से। आप अनलॉक टूल, चीता टूल या कोई और भी टूल, मतलब जो भी हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं डीटी प्रो के अलावा। डीटी प्रो से भी ये हो जाता है और उसके अलावा दूसरे कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अभी हम यहाँ पे आते हैं रिपेयर आईमी पे। अभी हमारे पास ये मैन्युफैक्चर मोड ओपन हो चुका है, यहाँ हमने आईमी रिपेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ जो डायग्नोस्टिक पोर्ट है वहीं पे हमने डीबी अडाप्टर सेलेक्ट कर देना है। अभी अपने आईमी एंटर कर लेना है यहाँ पे।
अगर आप में किसी को भी यहाँ पे रीडिंग क्यू सीन डेटा पे कोई एरर आता है तो आपने यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है इसको कम कर देना है, 3, 4, 5 से 10, 12 तक लेके आना है इन चेंज करके। बाकी ये तकरीबन 2 से 3 मिनट टाइम लेगा यहाँ पे, उसके बाद इसका आईमी रिपेयर हो जाएगा। आईमी रिपेयर के बाद ये बिल्कुल ओके वर्क करेगा। अगर कोई नो सर्विस या 4G का मसला आता है तो आप लोगों ने क्यू सी एन राइट कर देना है। अब ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने मोबाइल को रिबूट करके या रिस्टार्ट कर देना है। Thank you.